अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों का सफ़र शुरू हुआ चाहता है और पहली तब्दीली चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साबिक जो हो गए हैं नजम सेठी साहब, उनके इस्तीफे से हुई है और उनके मुस्ताफ़ी होने के बाद एहसान मानी साहब को नामज़द किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने उनके साथ, उन्होंने असद अली खान साहब को भी गवर्निंग बोर्ड का रुकन नामज़द किया है। अब आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात होंगे और इंतखाबात से पहले ही आपको ये बताए देते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ही होंगे। ये ऐसे इंतखाबात हैं जिनके होने से पहले ही इल्म होता है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कौन बनेगा। अब इन इंतखाबात पर एतराज़ करने वाले ये भी जान रखें कि नजम सेठी साहब ने जब इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया था तो उस वक्त भी कोई दो राय नहीं थी कि उनके अलावा कोई और शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा। इसी तरह से शरियार खान साहब के टाइम में और इसी तरह से ज़का अशरफ साहब के टाइम में भी हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आयन में क्या तब्दीली होगी एहसान मानी साहब के आने के बाद और बिलखसूस इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद, कि इमरान खान साहब ख़ुद माजी में इस चीज़ का खुलम खुला इजहार करते रहे हैं कि ये आयन दुरुस्त नहीं है और पैटर्न को कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो पीसीबी के चेयरमैन को नामज़द करे। इस आयन में भी दुरुस्तगी होनी चाहिए और इसमें एक वाज तरीक़ाकार और शफाफ तरीक़ाकार होना चाहिए जिसमें इंतखाबात का अमल ऐसा हो जिसमें हुक्मरान अपनी तरफ से किसी भी अपने शख्स को, भले वो मनपसंद है, भले अहल है, काबिल है या नहीं है, उसको नामज़द ना कर सके, क्योंकि यही असल और हकीकी जमहूरियत है जिसका हम आज तक इमरान खान साहब की ज़ुबानी सुनते आए हैं। बहरहाल उन्होंने जो दो नामज़दगियाँ की हैं वो दोनों भारी भरकम तजर्बे से भरपूर हैं। असद अली खान साहब का सी भी आप देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक वसी तजर्बा नज़र आता है कॉरपोरेट सेक्टर का, इदारों को चलाने का, क्रिकेट का, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, हर जगह पर उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैसियत क्रिकेट के हवाले से या इंतज़ामी उमूर के हवाले से है। जहाँ तक ताल्लुक एहसान मानी साहब का है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि उनकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छा तजर्बा उसका रखते हैं और इन दोनों अशख़ास जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में नामज़द किया गया है, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माली मामलात इनकी सबसे बड़ी खूबी है और इनकी वो जिसमें ये माहिर माने जाते हैं वो यही है कि ये हिसाब किताब में अच्छे हैं। और सबसे अहम ज़रूरत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसी चीज़ की है कि एक ऐसा शख्स जो कि फाइनेंशियल मॉडल्स जो दुनिया के इस वक्त चल रहे हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर में है, जिससे आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं और अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं और कहाँ पर आपने किस चीज़ का कहाँ कितना खर्च करना है उसकी उनको बखूबी अंदाज़ा हो। सेठी साहब की कामयाबी में भी, उनकी कामयाबी में भी जो उन्होंने कामयाबी हासिल की बहसीत चेयरमैन पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें भी उनकी बड़ी खूबी यही थी कि वो पैसे का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज में करते थे और इस अमर से बखूबी वाकिफ थे कि कहाँ पर किस तरह से पैसा इकट्ठा करना है और किस तरह से किसी भी नए इवेंट को चलाना है। ये अलग बात है कि उनके जाते साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं जो यकीनन उनके लिए परेशानी का सबब बनेंगी। और कुछ दोस्त लोग ऐसे ज़रूर थे जब वो पीएसएल के चेयरमैन थे या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनसे वाज़े अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते रहते थे कि कुछ इकदामात उनके ज़रूर ऐसे हैं जो उनको मुस्तकबिल में या आने वाले वक्त में जब वो चेयरमैन नहीं रहेंगे या हुकूमत तब्दील होगी तो वो मसाइल पैदा करेंगे और सेठी साहब उन दोस्तों की वजह से मसाइल का शिकार होंगे, उलझनों का शिकार होंगे। देखना यह है कि आने वाले दिनों में पीसीबी के माली मामलात और कुछ ऐसी तकरारियाँ और तायनातियाँ जो नजम सेठी साहब ने के दौर में हुई हैं, बहुत सारी ऐसी हैं तकरारियाँ जो की गई हैं, वो ऐसी तकरारियाँ हैं जब चेयरमैन पीसीबी शहयार खान साहब थे, लेकिन उस वक्त भी चीफ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसके सरबराह नजम सेठी साहब थे, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहयार खान साहब थे। इसी तरह से शहयार खान साहब ही चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे जब पीएसएल का आगाज़ हुआ और दीगर कामयाबियाँ भी पाकिस्तान को मिली। इन दोनों अशखास का बड़ा करीबी राबता और ताल्लुक रहा है। शहयार खान साहब ख़ुद ये कहते रहे हैं कि क्रिकेट के मामलों में नजम सेठी ज़्यादा नहीं बात करते, लेकिन जो माली मामलात हैं, जो मार्केटिंग के मामलात हैं, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि नजम उसके बहुत ही अच्छे तरीके से उन तमाम मामलात को सुलझाते हैं।
एहसान मानी की नामजदगी और यकीनन उनके चेयरमैन बनने के बाद, असद अली खान के क्रिकेट बोर्ड में नामजद होने के बाद, और जाकिर खान जो कि इनको एक तरफ किया गया था, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट को वो देख रहे थे, उनकी वापसी होती है। और अब आने वाले दिनों में कौन कौन सी कुर्सियां हिल रही हैं, कौन कौन से कमरे बदल रहे हैं, कौन कौन से चेहरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 4-5 साल 3 साल नजम सेठी साहब की मौजूदगी में पीसीबी में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, और यकीनन वो ज़्यादा लोग ऊपर के लोगों को ज़्यादा ख़तरा होगा, उनकी आने वाले दिनों में मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या ये वाकई तौर पर एक दुरुस्त अमर है कि चेयरमैन के जाने के बाद उसके नीचे की टीम को भी बदल दिया जाए, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं हूँ ही अच्छा। इनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट तजियाकार, पाकिस्तान के गैर सरकारी टीम के सरकारी मैनेजर, लगभग 35 साल हो गए इन्हें नवाए वक्त के लिए क्रिकेट तबसरा लिखते हुए, जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बड़े खुश लग रहे हैं सर। बस हालात ही कौम जो है ट्रैक पे आ रही है तो खुशी की बात है, चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे सियासत हो या कुछ भी हो। खान साहब के दौर में इंशाल्लाह आपको बहुत चीजें मिलेंगी जो कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते पिछले 70 साल से। तो क्रिकेट तो खैर उनका उसका एक हिस्सा होगी। अच्छा जी इलियास साहब, जनाब आपके दोस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, सबसे पहले तो हमारी तरफ से ताजियती अल्फाज आपको बोल फरमाएं। हम बहुत अफसोस हुआ सर। मेरे भाई जान, हाँ ये है, सुबह नाश्ता मैं उसके साथ करता था, लंच में उसके साथ करता था, रात का डिनर में उसके साथ करता था, और घर में उनकी गाड़ी मुझे छोड़ने आती थी। जब शेरिया खान साहब ने मुझे लगाया था, जब शेरिया खान साहब चले गए हैं उसके बाद सबसे पहले कौन आदमी था जो खुडेला लगा? जी मैं, अगर आपको याद होगा जी, तो मैं खुडेला लगा। तो मेरी तो बुरी है इतनी, मैं आज तक इस ऑफिशियल ऑन द टीवी ऑन रिकॉर्ड मैंने आज तक सेठी साहब को जाके दफ्तर नहीं मिला। अगर मुलाकात हुई है अकेडमी में, मुलाकात हुई है आते जाते, नेवर गो टेस्ट। मुझे खुडेला शेरिया खान साहब का कुछ ऐसे लोग जो शेरिया खान साहब लेके आए थे मोस्टली खुडेला लग गया, तुम्हें तो इल्म है इस बात का, ठीक है? तो आप मजा लेना चाहते हैं ले लें जितना लेना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा आप कहते हैं कि आपको कोई दुख नहीं हुआ, फिर इसका मतलब है क्या? दुख होना है पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा व्हाट गोज अप कम्स डाउन, दैट पार्ट ऑफ लाइफ। मैं रीजन करता था व्हेन एवर ही मेट मी इन किसी फंक्शन में, ये पे मी रिस्पेक्ट, सो दैट्स ऑल आई कैन से टू यू। मानी साहब कियामत को किस तरह से देखते हैं? देखो मानी हैज ए वर्ल्ड एक्सपीरियंस। देखें वो, मेरा ख्याल है कि उसके आने से एक ही चीज़ तो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, ही बीन ए प्रेजिडेंट ऑफ ICC इज ए वर्ल्ड एक्सपीरियंस इन दैट, प्लस मेरा ख्याल है UAE में भी थोड़ा सा वो इन्वॉल्व थे। एंड सेकेंडली कि जब ये चेयरमैन ICC प्रेजिडेंट था, आई थिंक उनके तलकात बड़े अच्छे थे इंडिया के साथ भी। तो मेरा ख्याल है कि एहसान के आने से ये होगा कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरवाजे खुल जाएं क्रिकेट खेलने के लिए, मे नॉट बी इन इंडिया और इन पाकिस्तान लेकिन समवेयर एल्स। तो मेरा ख्याल है कि इस चेंज से ये भी हो सकता है, क्योंकि भी जब ये ICC प्रेसिडेंट था, मैंने इस 2-3 लेटर लिखे थे, आंसर मी बैक, ही नोज मी, यू नो, मेरा ख्याल है वो हमारे टीम के साथ भी गया था और जब इन पंजाब की इंटर बोर्ड की टीम बनी थी। तो जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि ही विल ट्राई टू इम्प्रूव द क्रिकेट, और करेगा क्योंकि उसके नॉलेज है, एक पर्सन का नॉलेज होता है, बाकी चीज़ें तो बात की बातें हैं। लेट्स होप के थिंग गो ऑन द राइट पाथ, ठीक है? तो अगर हमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन करनी पड़ेगी एज इन क्रिकेट सब की, जो वो ये है कि पाकिस्तान टीम की, लेकिन ये 2020 तो ठीक है, लेकिन आप हमें नहीं, नहीं सर वो हम कर लेते हैं, मुझे आप बताएं आपके ख्याल में मानी साहब के आने से पाकिस्तान के क्रिकेट को फायदा होगा? होना तो चाहिए विद वाइड एक्सपीरियंस। मैं इससे प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहा था
कि मानी साहब हमारे साथ भी क्रिकेट खेलते रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी, ना कप्तान था उसका, ये कप्तान था और उस वक्त एक टूर्नामेंट हुआ करता था सूबों के दरमियान, सिंध लाहौर, और हमारी टीम एक दो दफा सिंध में भी गई थी, मानी साहब हमारे साथ होते थे, अच्छे क्रिकेटर थे, दाएं हाथ से बैटिंग करते थे और लेफ्ट आर्म से जो है ना वो फास्ट बॉलिंग किया करते थे। हाँ जी, और अच्छे खानदानी आदमी थे। उसके बाद ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, हमारी मेरे हाल तीनों की डेट ऑफ बर्थ तकरीबन करीब करीब ही है, 45 सन है उनकी, मेरा हाल 23 मार्च है, मेरी फर्स्ट है और मेरी 19 है, 19 है, अब तीनों की हमने ना तो ये हम बर्थ डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। आपने 45 खुद बता दी है जी, 1945 45 हम तीनों की 45 है भी माशाल्लाह 1945 की। या आपको इतराज है? नहीं नहीं, मुझे तो आपको देखकर खुशी हो रही है। लोग लोग डेट ऑफ बर्थ छुपाते हैं, हम उसको नहीं, मेरा तो बर्मला आपके तो माशाल्लाह नजर आ रहा है कि इमारत खासी पुरानी है, आसार बता रहे हैं। यार ये आपकी ये कुर्सियां फिर ये बता दे रहे हैं इमारत पुरानी है तो यार आपने कुर्सियां रखी है कि ये कुर्सियां तू बैठा है, बंदरा बंदरा कुत्ते जाके बैठा कर रहा है, ये वही है जिन पे हम सारी उम्र बैठते रहे सर, बंदरों के ऊपर एज की बात करो ना तो फिर तो अच्छी ऐसी होनी चाहिए जो आग में डूबेगी, पैसे वाली कुर्सी होती है, एक पैसे वाली कुर्सी होती है, फ्री कुर्सी होती है, ये फ्री कुर्सी है, ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वाली कुर्सी नहीं है, ये तो सोटी पकड़ के बैठने वाली कुर्सी, हाथ रख बैठ जाओ इसके ऊपर। उसके बाद ये शिपिंग में, इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड के बाद ये वही भी कारोबार वगैरह, क्योंकि इनके जहाज वगैरह थे अपने पानी के उड़ने वाले ने, तो ये उसी में रहे। उसके बाद मैं आपको फिर ये इमरान खान का जो शौकत खानम का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनमें भी इनका था कुछ ये रहे हैं। उसके बाद ये बीसीसीआई के चेयरमैन भी रहे हैं। उन दिनों इन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम क्रिकेट के लिए बहुत काम किया। तकरीबन मेरे 20 साल जो है ना पाकिस्तानी क्रिकेट को बगैर किसी रिवॉर्ड के, बगैर किसी उदे के इन्होंने सर अंजाम दिया। उसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ा काम मुझे पसंद आया वो ये था कि 10 स्पोर्ट्स जो था ना उसको इन्होंने इसके साथ पीटीआई के साथ मिला के और उन्होंने जितना पैसा आता था उसको शेयर किया। ये बहुत बड़ी बात है और आम आदमी जो है ना वो गोरों के साथ ऐसा जो है ना मुआहदा वो नहीं कर सकता। उसके रीजन क्या है कि वेल एजुकेटेड, इंग्लैंड में पढ़ा है, he knows कि ये क्रिकेट को कैसे, पॉइंट ये है कि अब उसको रिवॉर्ड मिला जो लास्ट गुड फ्यू ईयर इसने काम किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत काम किया। आपको तो इल्म नहीं, आप तो बच्चे हैं ना, हम तो देख रहे हैं, तो आप बता दें सर हमारे नाजरीन भी बच्चे हो। ये किया कि इन्होंने इतनी कोशिश की इंडिया पाकिस्तान की, ये भी हुआ करता कि जब ये पाकिस्तान से क्रिकेट बंद हुई तो ये यूई में ये द बिग पार्ट टू प्ले कि जी यहाँ पे कराओ होम ग्राउंड बना लें, तो ही वर्क हार्ड ऑन दिस स्मॉल लिटल थिंग, लेकिन कभी नॉलेज नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट एंड ऑफ द डे, अब ये हुआ है, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, जो मुझे बता तूने क्या दाना फेंकना था। अच्छा बात सारी ये है, मैंने क्या कहना था, मुझे तुम्हें बताया क्या कहना था, आई एम नॉट ए लिटिल बच्चा, यू अंडरस्टैंड है। बाद में ये कहना चाह रहा हूं, देखे काम करते हैं लोग, बाकी रात जब अच्छा एक मेरी एक बात, एक मुझे इजाजत फरमाए, एक ब्रेक ले लें, ले लें ना, हम एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने दोनों मेहमानों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल डिपार्टमेंट के हेड जनाब सलमान नसीर साहब भी मिल चुके हैं इमरान खान साहब से और बहुत सारी मुशावरत उन्होंने भी खान साहब से की है, देखना ये है। और जो हमने आइन वाली बात की है शुरू में, यकीनन खान साहब का उसके ऊपर खासा फोकस होगा कि इसको किस तरह से आइनी और मजबूत तौर पर आइनी तौर पर मजबूत इदारा बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, आपने तो यकीनन कहना है कि एहसान मानी के आने से सब चीज़ें पाकिस्तान के ठीक हो जाएंगी।
नहीं, एक आदमी क्रिकेट को समझता है तो डेफिनेटली वो उसको ठीक ही करेगा। और फिर खान साहब की चॉइस, अब मैं जब ये इसकी इमरान का उत सेरेमनी थी, मैं वहीं पे था, सारे क्रिकेटर भी थे, तो बड़ी क्रिपिंग हो रही थी कौन बनेगा क्या होगा। मैंने सबको एक ही बात की थी, मैंने कहा आप में से कोई भी नहीं होगा, अगर कोई अगर कोई बंदा होगा तो वो एहसान मानी होगा, क्योंकि वो शौकत खानन में भी रह चुका है। इमरान उसको एज ए पर्सन जो है ना बहुत अच्छी तरह जानता है। अब इलियास हमारे साथ भी वो खेलते रहे गवर्नमेंट कॉलेज में, बड़ा शरीफ आदमी था। और लेकिन ये है, मैं उसके थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मानी साहब ने क्या कुछ किया, इन्होंने बहुत इसको वो कोई उदा ना रखने के बावजूद जो था ना, उन्होंने पाकिस्तान बैकग्राउंड पे बहुत काम किया और बहुत बहुत काम किया है। और आईसीसी फाइनेंस के मार्केटिंग सरबराह भी रहे हैं, फिर आईसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के नायब सदर भी रहे हैं, आईसीसी में रूल्स रेवेन्यू कमेटी के भी वो चेयरमैन रहे हैं, और 2015 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फरोख्त जो मैंने अभी पहले बताया था कि उन्होंने पीटीआई और पीटीवी स्पोर्ट्स को यकजा करके और वो सारा पैसा जो है पाकिस्तान के अंदर आया था। अच्छा जी, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया कराची से मिर्जा इकबाल बेग साहब ने। बेग साहब सलाम अलैकुम, मेरे साथ चौधरी मोहम्मद सदीक साहब और मोहम्मद इलियास साहब स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। बात हम कर रहे हैं एहसान मानी साहब के हवाले से। ये दोनों साहब तो बहुत पुरउम्मीद है कि एहसान मानी के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट की जो मुश्किल हैं वो कम हो जाएंगी और क्रिकेट तरक्की करेगी। आपको लगता है कि मानी साहब वाकई हकीकी मायनों में, इन दोनों ने यह भी कहा है कि उन्होंने पसे पर्दा रहकर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब चूंकि वो बाइख्तियार भी हो जाएंगे तो यकीनन अब तो उनको ज्यादा अच्छे अंदाज में काम करने का मौका मिल रहा है। वालेकुम अस्सलाम इमरान, सबसे पहले मेरी जानिब से मोहम्मद इलियास सबको और उनके साथ चौधरी सिद्दीक। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक है इकबाल भाई? अल्लाह का करम इलियास भाई, ईद अच्छी गुजरी। मसला ये इमरान के मानी साहब तो आए हैं, मानी साहब से तवक्कुआत भी बहुत वाबस्ता है, लेकिन वही माफिया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अरसे से है, खासतौर पर जो उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अहमद, वही उन्हें खुशामदीद कह रहे हैं और लोगों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मैं दोबारा बरकरार रहूंगा। तो मानी साहब को अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना पड़ेगा, ऑपरेशन क्लीन अप करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अगर वो चाहते हैं कि मामला शफाफ अंदाज से चलाए जाए। मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर अच्छे हैं, वो एक तो उन पर एक क्वेश्चन मार्क अभी आ रहा है, अभी लोग कह रहे हैं कि शायद उनके पास दोहरी खैरियत है, लेकिन अभी इस हवाले से कोई कंफर्म नहीं है। उनका एक बयान आया था कि नहीं मैं तो पाकिस्तानी नेशनल हूँ, तो अब देखते हैं कि वो करते क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जिस तरह चौधरी सिद्दीक साहब बता रहे थे मुख्तलिफ हैसियतों में काम कर चुके हैं, लेकिन 2003 से 2006 तक ये आईसीसी के सदर है, 5 साल का क्रिकेट बहुत तब्दील हो चुकी है। अब देखना ये कि मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े गंभीर मामलात हैं, जहां शकील शेख जैसे लोग माफिया की सूरत में मौजूद हैं, हारून रशीद साहब का हयात अपने लिए क्रिकेट बोर्ड की नौकरी लिखवा कर लाए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड में हैं, तो देखना ये कि मानी साहब उनको कैसे हैं। नहीं नहीं, बेग साहब सवाल ये है कि जो लोग अगर पुराने हैं, अगर वो पुराने हैं तो अगर पुराने लोग काम कर रहे हैं, अगर वो अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, तो फिर आपके ख्याल में उनको भी घर भेज देना चाहिए, अगर वो उनका एक उनके साथ एक माफिया बना हुआ है। पुराने लोग तो है, लेकिन अगर आप अपना काम बड़े अच्छे तरीके से बहुत से खूबी कर रहे हैं तो कोई उसमें मुजायका नहीं है कि उन्हें रखा जाए, लेकिन बाद लोग ऐसे हैं कि जो माफिया है कि जो हर दौर में आपको नजर आएंगे। अब सुभान अहमद साहब को ले लें जो पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है अब से 24 बरस कल मेरे सामने नेशनल स्टेडियम कराची में आए थे, मुझे आरिफ अब्बासी ने बताया कि ये लड़का आया, ये कंप्यूटर एनालिस्ट है, उस वक्त ब्लैक स्क्रीन होती थी कंप्यूटर की, तो आरिफ अब्बासी ने कहा ये सारा डाटा जो है ये फीड करेगा। उसके बाद उन्होंने पीसीबी में रहते हुए एमबीए किया, तालीम हासिल की, अच्छी बात है, लेकिन वो एक ऐसे नागुजीर डॉन का रूप इख्तियार कर गए पाकिस्तान क्रिकेट में कि उनके बगैर मामला चलते नहीं है। तो अगर मानी साहब उनके आगे भी सरेंडर करेंगे तो फिर बचेगा क्या? इलियास साहब से पूछते हैं, इन्होंने उनके साथ खासा वक्त गुजारा है, कहते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब भी माफिया है पीसीबी का, इलियास साहब आप इत्तफाक करते हैं इकबाल बेग साहब? क्या क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा जी ये जो सीओओ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनको भी जाना चाहिए सेठी साहब के साथ। देखिए ये तो बात सिंपल है कि हर आदमी बैठा होता है कि व्हेन द न्यू चेयरमैन कम कि जी वो क्या डिसाइड करेगा, हर आदमी तो नहीं छोड़ के चला जाता जी मैं जा रहा हूँ। पॉइंट सारा ये है कि लेट्स बी फेयर, ठीक है, मैं इकबाल के साथ सर्टेन थिंग एग्री करता हूँ। पॉइंट सारा ये है कि इसने मानी साहब से भी के साथ भी काम किया हुआ थोड़ा सा,
तो मानी एहसान को भी पता होगा कि ये कितने काबिल हैं या नहीं है. तो ये लेट्स सी व्हेन एहसान मानी कम्स, लेट्स सी व्हाट चेंजेस कम एंड पीपल हैव टू लुक एट इट एंड सी इफ समबडी हैव डन द राइट जॉब्स देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन इट. अगर जो लोग बैठे हुए हैं बेकार मेरी तरह वो चले जाएं तो नहीं. आपने तो बड़ी खिदमत की है सर पाकिस्तान की. नहीं तो मैं एक बात आपने खुद ही कह दिया था कि बेग साहब ना कहें. आपने खुद ही कह दिया कि बेग साहब इसे ना कहें कि बेकार है. नहीं आपने कहना भी नहीं है. ये जो क्लब क्रिकेट का हुई है ना, मुझे पता है कि कितनी आपको तो आप तो लाहौर में रहते हैं, कितनी जान मारनी पड़ी ये फाइनल और सेमीफाइनल होने नहीं था, होने नहीं था. आपने बहुत काम किया. अच्छा जी साहब, बहुत चेंजेस आएंगी. ये नया पाकिस्तान है, पुराने को रिन्यू नहीं करना इन्होंने. बहुत चेंजेस आएंगी. काफी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गंद है, काफी गंद है जो साफ होना है. एहसान मानी को लाने का ये मतलब नहीं है कि वो खाली क्रिकेट के मैटर्स को ही देखेंगे. वो ये उर्लम परलम जो बीच में जो खामी है ना, इनको भी दूर करेंगे. इम्पोर्टेंट चीज जो ये है कि बेग साहब, इलियास साहब कहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है फिर तो कोई उसमें मुजायका नहीं है कि वो रहे, लेकिन ये आकर चेयरमैन ने डिसाइड करना है कि उसने किन लोगों के साथ चलना है और किन लोगों के साथ नहीं चलना है. आपके ख्याल में अगर चेयरमैन ये डिसाइड कर लेता है कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उनको भाते हैं और वो उनके साथ ज़्यादा उनके विजन को बेहतर अंदाज में, इमरान खान साहब के विजन को, क्योंकि जो मेरी मानी साहब से बात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर के विजन को लेकर आगे चलेंगे और इमरान खान का विजन मेरा विजन है और इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी, तो जो शख्स इमरान खान के विजन में फिट नहीं आएगा तो वो तो उसकी तो कोई जगह बनेगी नहीं फिर. देखिए सबसे पहले तो मैं चौधरी सिद्दीक साहब की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि मानी साहब क्रिकेट के मामला दुरुस्त करने के साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट में गंद है उसको भी दूर करेंगे. और अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दुबई का रेजिडेंट वीजा ले लेता है, फिर बर्की रोड पर उसका फार्म हाउस होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन जाते हैं उसके फार्म हाउस में, वहां काम करते हैं, मनूवरिंग करता है गाड़ियों, इलियास साहब के दिल में शायद इनके लिए कोई थोड़ा सा नर्म रह जाए, लेकिन नर्म गोशा है. लेकिन अगर कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गाड़ियों का निजाम करता है, इलियास साहब को तो नहीं मिली ना गाड़ी, आप इनसे पूछे तो इतने आपको गाड़ी मिली थी? नहीं, इनको गाड़ी नहीं मिली सर. मैं जब चेयरमैन था उस वक्त भी मैंने गाड़ी नहीं ली थी भाई. जब मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था मैंने नहीं ली थी, मैं अपनी गाड़ी चलाता था भाई जान. और बिलीव के गाड़ी जो है बोर्ड की वो मैं लेके चला भागता फिर मैं अपनी गाड़ी में सफर करता था. जैसे मैं अहमद इकबाल, आपका तो घर बहुत करीब है ना बोर्ड के, बोर्ड के करीब लोगों के बहुत करीब सर. मैं बेग साहब की थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ. मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बोर्ड में जो गलत काम है या जो लोग फालतू बैठे हुए हैं ये किसी से ढके छुपे नहीं है. सबको पता है, चपरासी से लेके ग्राउंडमैन से लेके एंड तक सबको पता है. और सबसे बड़ी बात जो है जाकिर खान इसमें मेरे हाल पिछले 20 साल से वो इसी डिपार्टमेंट में है और बड़ी उन्होंने बुरा वक्त भी जो है वो और कोई उनसे भी कोई चीज जो है ढकी छुपी नहीं है. और आप ये कह दें कि खान साहब तक कोई बात नहीं पहुंचेगी वो ये एक नामुमकिनात में से है. नहीं मतलब कौम को बेहतर करना है ना, किसी को ये तो नहीं है कि. और सलमान नसीर भी मिल लिए हैं बेग साहब चेयरमैन इमरान खान साहब से. जी हाँ मुझे भी पता चला है. लेकिन अब सोशल मीडिया वाले साहबियों का क्या होगा इमरान के, जो सेठी साहब तो सोशल मीडिया में बहुत इन थे, तो नजम सेठी साहब उनको रीट्वीट कर दिया करते थे कमेंट के साथ, उन चारों का क्या होगा, उनकी रोटी रोजी का क्या होगा, आप ये भी तो देखें ना. हाँ साहब कोई बात भी ढकी छुपी नहीं है. यहाँ तक बातें आई हैं कि सेठी साहब ने कंफर्म नहीं है, मैं एक जो सुनी सुनाई बातें हैं उसमें से मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ तक आई है कि उन्होंने अपने बच्चों को या अपनी बेगम को ये कितना कितना पैसा दिया है. मैं कह रहा हूँ ये वो पॉसिबल नहीं है. हाँ। लेकिन बातों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक बातें जो है ऐसी बात तो कभी बेग साहब ने भी नहीं की. ये सिद्दीक साहब ने तो बहुत ही सर आगे की बात कर दी है. देखिए शायद आपसे ही सुनी हो. इमरान आज सामने आई है
वो जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने PSL 1 और PSL 2 के जो ऑडिट किए हैं उसमें बहुत सारी बेकायदगियां सामने आई हैं। जो रुकने कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली हमेशा असेंबली में आवाज बुलंद करते रहे कि माली घपले हैं। सिटी साहब ने 2 पेज की रिपोर्ट दे दी थी कौमी असेंबली की कायमा कमेटी को बरा बहन उस सूबाई रास्ते को। तो मसाइल तो होंगे, अभी जब ऑडिट होगा और जब तमाम मामला तय दर तय खुलकर सामने आएंगे तो मैं समझता हूँ मुश्किल हो सकती है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपने ख्यालात का इजहार किया। ऑडिट होना चाहिए इलियास साहब, बिल्कुल ऑडिट डेफिनेटली होगा और पैसे वापस होना क्या बिल्कुल होना चाहिए। CFFO को बुला के सब कुछ देखिए, इस एवरीथिंग हैपन थ्रू CFFO, ठीक है, बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। CFO का अपना ऑडिट हो जाना है, CFO का अपना ऑडिट हो जाना है, मुझे पता, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ। CFO का अपना ऑडिट होना है, मेरी बात सारी है, देखो मेरी बात सारी है कि अगर मैं हूँ, ठीक है, जब मैं क्लब क्रिकेट का जो ये मैचेस होने थे उससे पहले किटें बननी थी, ठीक है, गेंद इसमें मुझे कहा गया कि भाई इलियास आप कंसल्टेंट हैं और आप अरेंज करेंगे किटों का। मैंने कहा जी मेरी बात सुनो, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस, मेरा कोई तल्लक नहीं है, मैं किसी कॉमेडी को नहीं पढ़ा, आप लोग कर रहे हैं आप इनको करें। मैंने किसी ये मुझे ये भी नहीं इलम कि कौन कौन सी कंपनियां थी जो इन्वॉल्व थी क्लब क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट में, मुझे कोई पता नहीं, तो मैं तो इतना दूर रहता सर, मुझे इस क्लब क्रिकेट के और स्कूल क्रिकेट के बारे में मेरा मुंह बंद रहने दें, बोले मेरे बारे में बोले कि आप क्यों हर बात को अपनी तरफ लेके जा रहे हो, तो बंद होगा तो हम क्या करेंगे। बोले सर ये स्कूल क्रिकेट ये क्लब क्रिकेट ये क्या था, ये शेरिया खान साहब ने शुरू की सारा कुछ। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन करम, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कह रहे हैं, बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से, सीटें हिलनी चाहिए। हारून रशीद साहब का भी बड़ा जिक्र रहता है कि वो भी उन्हीं लोगों में उनका शुमार होता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक तो हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। हारून रशीद साहब के साथ आपका खासा ताल्लुक रहा, आपके ख्याल में हारून भाई को भी अब घर भेज देना चाहिए? देखो यार फिर बात वही आती है, मैं क्रिकेटर हूँ, ठीक है, आई विल स्टैंड बाय द क्रिकेटर। हाँ मुझे ये भी पता है कि कौन कौन से क्रिकेटर ऐसे हैं जो छुरी घूमते हैं। आपको याद है कि ज़का अशरफ के वक़्त में इसको छुट्टी हो गई थी, आपको अच्छी तरह पता है, और मैंने जाके ज़का साहब को बोला, एज ए चेयरमैन था मैं कहा उसकी बेटी की शादी है आप ये जुल्म ना करें, तो उसके वो नोट उसके वो लेटर वापस ले लिए गए थे हम तो। लेकिन उसने उसके बाद जो काम किया, जितने प्लेयरों के साथ उसने एक्स प्लेयरों के साथ जो वाक़ियात किए आपको तो सब इलम है। पॉइंट सारा ये नहीं है, पॉइंट ये है कि वी आर ए फैमिली, आप चाहे आपके सीनियर हैं आपके जूनियर हैं, यू आर ए क्रिकेटर एंड यू कंसीडर देम एज ए फैमिली। जहाँ तक मेरा जाती व्यू है, मैं अब जितने मेरे साथ क्रिकेट खेले हैं चाहे वो इंग्लैंड में हैं चाहे वो फ्रांस में हैं, मेरे अब भी उनके साथ टेलीफोन पर बात होती रहती है, क्योंकि इलियास साहब अच्छा आपका क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपको अपनी नजर आती है मुस्तकबिल में कोई जिम्मेदारी? I don't know. Let's wait and see. I'm not bothered. What will be. You think? You be honest with you. मैं 4 साल केस लड़ता रहा सेठी साहब के खिलाफ, हैं 4 साल बाद कौन लेके आया मुझे, शेरिया खान साहब। वो शेरिया खान साहब गए तो फिर मैं कहा क्या हुआ, चलो इस खुडे चले जाओ। You know, this is part of life. This thing goes on and will carry on. हाँ रखना है, रखेंगे नहीं रखेंगे that's fine. हम खूब आप बयानात तो दागेंगे ना फिर एहसान मानी साहब के खिलाफ बयानात तो दागेंगे। यार देखो बयानात मैं अब भी यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, यहाँ बैठ के मैंने being in the board मैंने क्रिटिसाइज की हैं चीज़ें जो बोर्ड में कल थी की हैं क्या नहीं की, कोई भी नहीं की। और चल दफा हो कब खुदा कब की यार लिया साहब, आपने हमेशा जो चेयरमैन आता है उसकी हिमायत करते हैं आप, मुझे बताएं सेठी साहब की हिमायत में एक निकालो या कोई तुम्हारे पास स्कॉटिंग है मुझे बता दो कि एक बार मैंने सेठी की अभी आपने आते साथ क्या कहा, आपने शुरू किया, मैंने कहा जी मैं उसके साथ लंच करता था मैं उसके साथ। इलियास साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए, जब सब कुछ बदल रहा तो फिर ये भी बदल जाएंगे। देखिये मेरे ख्याल में इसको
सिलेक्शन में ज़रूर रखना चाहिए, ही इज़ ए कॉम्पिटेंट, और कोई अहदा भी देंगे तो ज़बान ज़रा वैसी है लेकिन अदरवाइज़ ये अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा जो बात आप ये कर रहे हैं, तो खान साहब से इमरान से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वैसे भी करूँगा लेकिन क्योंकि टेलीविजन पे बैठे हैं ये ज़रूर करूँगा, कि PSL जो है ना इसकी ऑडिट कराएं, आपको बहुत कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप कहते हैं PSL बंद करवा दें। नहीं, बंद नहीं करवा ले, उसकी ऑडिट कहाँ है? ऑडिट तो किस किस को पैसा गया? सारा पैसा जो आप कैशो पे देते रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है किसी के पास, और ये आपको इतना इतना कुछ मिलेगा कि आप करोड़ों को भूल के अरबों में जाएंगे। वो नया पाकिस्तान बन गया है चौधरी साहब, जो नहीं तो पैसा छोड़े उसको, नए पाकिस्तान के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, इसी तरह ही आएगा पैसा। जिन्होंने कमाया उनको नसीहत भी होगी आइंदा आने वाले वक्तों में, जो भी इमरान खान नहीं भी होगा, पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक बैलेंस अपने स्टेट के ऊपर चलेगी। ये आपने मुझे ये कहा था, आपने एक बार अकेडमी में, कि इलियास भाई आप जो भी हैं, आपके लोग जो मुखालफत भी हैं, जो खिलाफ भी हैं, वो कहते हैं ठीक है वो जो जो भी है, लेकिन आदमी बेईमान नहीं है। या आपने मुझे खुद अपने अल्फाज में कहा था, क्या आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समझेगा ना। बात यह है कि मेरा अपना कर, जो आदमी खुल के बात करेगा जैसे इमरान का, वो बेईमान नहीं होगा, ऑडिट होना चाहिए। मैं यार यही बात प्रोग्राम आप यही बैठ के ऑडिट होना चाहिए इसका, और मैं उस बीइंग इन द बोर्ड मैंने कहा बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। आप आगे आए, आप आगे आए, आप जैसे जर्नलिस्ट जो है ना वो इन मसलों को हल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कल के नवाए वक्त में आपको एक बहुत बड़ी खबर मिलेगी इस ऑडिट के हवाले से, आपको बता रहा हूँ। ये तो आपको उड़ती उड़ती चीजें मिल रही है ना कि ऑडिट किस तरह से होना है, इतनी भी उड़ती नहीं है सर। लेकिन लेकिन ऑडिट के मामले में बड़ी संजीदगी और बड़ी सफाकी का मुजाहरा किया जाएगा, और वो एक दो महीने का नहीं होगा, और वो दो तीन साल का भी नहीं होगा। एक और चीज है, मैं इससे ज्यादा दौरानिए का होगा, इससे ज्यादा सख्त तरीका कार, मेरा हाल लास्ट 5 ईयर्स का तो जरूर करना चाहिए। हाँ जी, ताकि अलियास भी अगर आता है तो आने दे। आने, आने, आने। अच्छा एक और चीज है, पिछले 5 साल तो मैं था नहीं ना बोर्ड में, इसलिए मेरा जो मर्जी का। एक और चीज है जो मुझे तकलीफ दे हुई है, और मैंने सेठ साहब को बोल भी दिया था अकेडमी में आए थे, बोनस दिया गया लोगों को ठीक है, लेकिन किसी PN वगैरह को तो सर ग्राउंड स्टाफ को नहीं मिला। ग्राउंड PN और इतनी, ये जो आखिरी PSL का मैच हुआ है यहाँ पर, जब बारिश थी कौन से मेरे जेन में निकल गया है, जब ग्राउंड स्टाफ ने बड़ा काम किया और हेलीकॉप्टर बुलाया गया था ग्राउंड खुश करने के लिए, ग्राउंड स्टाफ को 1 रुपया नहीं मिला और बाकी लोगों को बोनस मिले गए हैं। और अगर खुदा ना खासा पिच खराब हो तो सबसे पहले वो जो ग्राउंड मैन पकड़ा जाता है, वो आगा जाहिद की तरफ बंदूकों के रुख हो जाते हैं, डक 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 शुरू हो जाते हैं, और उनके स्टाफ की तरफ ना मिले तो बशीर को पकड़ लेते हैं, बशीर को भेज दिया हुआ। बशीर को ये है, आपकी हैवी वेजेस ऑलरेडी हैं, आपको बोनसेस दिए हैवी बोनसेस, और जो आदमी 30-35 हजार लेता है, ड्राइवर है, ग्राउंडमैन है, PN है, आप उनको तो दे नहीं रहे। आपने तो सारा पैसा जो है मेन लोगों पे, ये मैंने सबको पता है, मुश्ताक साहब वगैरह सब खड़े थे जब मैंने सेठ साहब को, मैं आपने बहुत गलत काम किया है, यू शुड हैव गिवन सम फ्यू बॉब्स टू दिस ग्राउंडमैन एंड PN एंड ऑल दैट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और उनका हाथ भी बनता है। वो भी ऑडिट में आ जाएंगे ना सर, जिनको बोनस मिला वो ऑडिट में आ जाएंगे, जिनको गैर मामूली तौर पर या गैर आप उसको जो कह सकते हैं खिलाफ जाब्ता जो चीजें हुई हैं, जब ऑडिट होगा तो वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। इन्होंने हारून रशीद साहब के बारे में कहा है जी कि इन्होंने जो भी अपने ख्याल थे वो आपके सामने हैं, COO की भी पहले बात हो चुकी है, हारून भाई को आपके ख्याल में उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके बारे में सख्त फैसले करने चाहिए आने वाले बोर्ड को? देखिए मेरे ख्याल में काफ़ी चेंजेस आएंगी, आजमाए हुए मरहले काम ही आएंगे, उनमें कोई 2-4 बंदे जो जिन्होंने कोई काम किया है या जिनका वो आइडियाज़ हैं
बोर्ड को बेहतर करने के लिए, वो उनका शुमार जरूर रहेगा। अदरवाइज जो खाली तनहाएं लेते हैं, या खाली कई ऐसे थे जो जिनकी तनहा शिकायतें तो ऊपर भरोसा होता था तो जो बड़ी शिकायत लगाता है उसको बड़ा बोनस मिलता था, तो वो चीज जो है वो खत्म होनी चाहिए। हाँ। तो सर ये भी खबरें चल रही हैं चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब के, मोहम्मद सिद्दीक मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बन रहे हैं। अल्लाह माफी, खान साहब का कोई दोस्त कोई होता नहीं होगा जाकर, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड में है, ये चलेगा। एक बंदा पूरे पाकिस्तान में आप मुझे बता देना कि जो खान साहब का रिश्तेदार या खान साहब का दोस्त होगा, मैं पूरे पाकिस्तान को कहता हूं मुझे फोन करें कि ये खान साहब का रिश्तेदार है, ये उनका दोस्त है, इसको नवाजा गया है, ये कभी भी नहीं। किसान मानी साहब उनके दोस्त नहीं है? नहीं नहीं, ये इस तरह तो आप भी मेरे दोस्त हैं, ये कोई दोस्ती तो नहीं है। माजिद खान फॉर एग्जांपल, माजिद खान ग्रेट कैप्टन, ग्रेट प्लेयर, वंडरफुल मैन, उसको भी नहीं उतने, इसलिए उसको बायस हुए हैं कि उसका इस तरह की दोस्ती नहीं है। जैसे एक इन्होंने वो लड़का जो जुल्फी बुखारी के कहां से आया था, इमरान टीवी के ऊपर कह रहा है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा जानने वाला है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा जानने वाला है। उसके चार पांच छह सारे दोस्त हैं सारी जिंदगी के, मैं 50 ईयर से हूं, मेरे बाद के भी जाकिर खान और ये फरूख गोल्डी और यूसुफ सलाउद्दीन, ये हम पांच छह बंदे हैं जो मेरा 45 ईयर से सियासत के बाद, सियासत के बाद तो नए दोस्त भी बने हैं ना ये तो। अब नहीं नहीं, उनको हम गाड़ी उनके उनके बहन साहब के सियासत में है, वो सियासत को आप दोस्त नहीं कह सकते। अच्छा, सियासत को दोस्त नहीं कह सकते, मैं दोस्ती नहीं होती सियासत में, हमेशा दिल में कहीं ना कहीं खोट होती है। हम किसी दोस्त को भी, आप किसी ओहदे पे भी कभी टिकट मिल जाए ना आपको फर्स्ट क्लास की फ्री, तो मैं मुझे फोन कर देना, ये हमारा खान साहब से तल्लक है, हमारा कोई ना गवर्नमेंट में है ना स्पोर्ट्स में है ना किसी से। हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें फारूक साहब को बुलाएंगे, फारूक गोलड़ी साहब को, और आपको भी साथ बुलाएंगे, और यूसुफ सलाउद्दीन साहब को, सबको बुला ले, चारों पांचों को बुला ले, पांच हैं हम। मैं एक और बात, जाकिर तो नहीं आएगा ना, मैं एक बताऊं, आप सारे बुला लेंगे, आप टिकट दें। मैं इमरान फैमिली की एक बात करने लगा जी। देखिए, मुझे जावेद बड़की ने बेटा बनाया था जब 63 में यंगस्टर था, माजिद के साथ मैंने, मेरे इतने तलकात हैं इनके साथ अभी शुक्र अलहमदुलिल्लाह। इमरान के साथ जो थे थोड़ी हल्के से क्रिकेट खेल लिया, उसने मेरी नज़रों में ही इज़ ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो हाँ लिहाज करता है लोगों का, ही केयर अबाउट स्पोर्ट्स। एंड ऑफ द डे जो जिस तरह इमरान बोलता है, जो इंसान इस तरह खुल के बोलेगा उसके, वो बोल देगा, वो दिल में रंजिश नहीं रखता मेरी, जब खोल के बोल देता है तो मेरा ख्याल और वो बेईमानी भी नहीं करता। सेठी साहब के साथ रंजिश ही तो है ना, खुल के क्या बोल। अब सर मैं बात कर रहा हूं कि वो व्हाट ही सेज, देखें उसका एक छोटा सा मैं बात, जब ये आया था क्रिकेट में, इसको कहा गया था कि यार डोंट प्ले, forget about fast bowling, and he was so determined. What happened? As Sussex में इसने खेले, उसके कोच ने इसको बताया किया, he become one of the fastest bowler around the world. तो एक determination होता है इंसान का, determination है उसका, determination वो अपने सोच से जो बात करेगा ना, मैं left right की बात नहीं कर रहा, अपने जाती अगर वो करेगा, he knows about cricket, and I'm sure he will sorted out all the problem what going on. It's going to take time. बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे माहिरीन की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आने वाला वक्त, इसकी तरजीहात क्या होंगी, और नया चेयरमैन तरजीहात किन चीज़ों को तरजीह देता है। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल आने वाले दिनों में बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बिलखसूस, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होने हैं, नए मुआहदे होने हैं, भारत के साथ क्रिकेट खेलने के हवाले से हमने केस दायर कर रखा है, सितंबर में गालिबन सितंबर बल्कि आइंदा माह उसकी भी समात है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस हद तक कामयाब होता है, हमारा केस कितना मजबूत है। वैसे हम अब तक यही सुनते आए हैं साबिक चेयरमैन की ज़ुबानी कि हमारा केस बहुत मजबूत है और उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ निकल सकता है, और पाकिस्तान वो केस भारत के खिलाफ हारने वाला नहीं है। उस केस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत पैसा खर्च हुआ है। फिर PSL के तमाम फ्रेंचाइजेज़ के साथ नए मुआहदे, ब्रॉडकास्टर्स के साथ नए मुआहदे, और इस लीग के पाकिस्तान में
जो मैचेस जिनका ऐलान किया गया था कि लगभग 8 मैचेस हम पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं, अगर उन मैचेस को करवाया जाता है, माहदे अच्छे तरीके से किए जाते हैं और पाकिस्तान में मैचेस के ऊपर अपनी मजबूत पांव रखे जाते हैं, तो यकीनन जो ब्रॉडकास्टर्स की वैल्यू है पाकिस्तान में होने से, उसका भी बहुत अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। और इसके साथ साथ जो ऑडिट वाले मामला सामने आ रहे हैं, यकीनन जिसने जो गलत किया है, जो नामुनासिब किया है, जो खिलाफ ज़ाब्ता किया है, जो खिलाफ कायदा किया है, उसकी गिरफ्त होनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर किसी एक ऐसे शख्स को कहीं ना कहीं कोई ज़िम्मेदारी दी गई है और वो ज़िम्मेदारी के लिए उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया जो उसकी ज़रूरत थी, लेकिन अगर किसी शख्स ने डिलीवर कर दिया है, अगर किसी शख्स ने जो ज़िम्मेदारी दी गई है उसको ईमानदारी के साथ और इंसाफ के साथ निभाया है, और जो वो कर सकता था उससे बढ़कर उसने अपनी पोजीशन पर रहते हुए, अपने ओहदे पर रहते हुए काम किया, तो वहीं पर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देखना होगा। जिन लोगों ने बेहतर अंदाज में मुल्क की खिदमत की है उनको घसीटना नामुनासिब है, लेकिन जिन लोगों ने मुल्क के ख़जाने को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, यकीनन उनके साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे ज़्यादा चाहता है, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।